जैसा कि तीन चैप्टर मैं डाल चुका हूँ ट्वेल्थ वाले बोर्ड के लिए, एक फिर नया चैप्टर ऐड कर रहा हूँ, वो है मेटलर्जी। सिंपल भाषा में कहते हैं मेटलर्जी, या उसका एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। एनसीईआरटी के मुताबिक चैप्टर का नाम है जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिसको मेटल्स लर्जी के नाम जानते हैं। और अगर जो नाम होता है बच और, या जो मिनरल या मेटल का जो एक्सट्रैक्शन, उसी को मेटलर्जी में पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या है, मेटलर्जी का डेफिनेशन कोई पूछेगा अगर आप, बाय द वे मेटलर्जी क्या लिखा हुआ है, मेटलर्जी लिखा हुआ है, ये चैप्टर का नाम ही है। इसमें एक्सट्रैक्शन क्या बच्चों, एक्सट्रैक्शन निकालते हैं, किसको निकालते हैं, मेटल को, प्योर मेटल को। किससे निकालते, ओर का नाम सुना होगा आप, ओर का नाम इज कॉल्ड एज मेटलर्जी। क्या मेटलर्जी, तो मेटलर्जी क्या है, मेटल का एक्सट्रैक्शन, मेटल का क्या एक्सट्रैक्शन, किससे एक्सट्रैक्शन, उसके ओर से एक्सट्रैक्शन, उसी को हम लोग कहते हैं मेटलर्जी। अगर कंप्लीट भाषा में कहना हो, द कंप्लीट प्रोसेस पूर्ण जो प्रक्रिया है, किसको एक्सट्रैक्ट करने की, किसको मेटल को एक्सट्रैक्ट करने की, किससे, ओर से, वो कहलाता है बच्चों मेटलर्जी। मेटल का एक्सट्रैक्शन किससे, उसके ओरों से, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस है बच्चों, वही कहलाता है मेटलर्जी। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन, परिभाषित कीजिए, डिफाइन कीजिए किसको, स्मेल्टिंग को, और उसका एग्जाम्पल ही बता दीजिए। तो स्मेल्टिंग बड़ा आसान है, क्या है, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, बदलना है, क्या बोला, मेटल ऑक्साइड को कन्वर्ट करना है, किसमें बच्चों, मेटल में कन्वर्ट करना है। और कैसे कन्वर्ट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्या बोला मैं, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा कन्वर्ट होगा, क्या बोला, रिड्यूसिंग एजेंट के द्वारा जो कन्वर्ट होगा, कौन कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड, किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल में। इस पूरे जो प्रक्रिया को जो बच्चों कहते हैं, वो कहते हैं स्मेल्टिंग। क्या कहते हैं बच्चों, बोलो, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बड़ा, देखो तुम बिहार बोर्ड में लिखना हो तो बड़ा आसान है, सीधा कहिएगा कि भाई मेटल ऑक्साइड्स को मेटल में कन्वर्ट करने के लिए एक सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, और जो पूरा जो प्रक्रिया है, उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं क्या, क्या कहते हैं बच्चों, बोलो, स्मेल्टिंग। तो याद करो, द प्रोसेस, प्रक्रिया है, क्या प्रक्रिया है, कन्वर्ट करने का, बदलने का, किसको बदलने का, मेटल ऑक्साइड को, किसमें, मेटल में, किसके द्वारा, एक सूटेबल, हर किसी का अलग अलग होता है, सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड एज स्मेल्टिंग। एक एग्जांपल लिखना है, एग्जांपल लिख दिया, ये जिंक ऑक्साइड है जेनेनो प्लस कोक आपने लिया रिड्यूसिंग एजेंट, तो देखो बच्चों ये आपका मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड है, ये आपका क्या रिड्यूसिंग एजेंट है, और इसमें जिंक में आपने कन्वर्ट करा दिया, तो यही जो प्रोसेस है बच्चों, यही जो प्रोसेस है, वही प्रोसेस क्या कहलाता है बच्चों, स्मेल्टिंग। क्या कहलाता है, स्मेल्टिंग, जेडनोसो सी और जेड प्लस यू। ओके चलो, ये क्वेश्चन याद हो गया, अब अगला क्वेश्चन आ जाओ, बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस 20 मिनट मेरे साथ बैठिए, मेटलर्जी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो, व्हाट इज द इम्प्यूरिटी प्रेजेंट इन ओर इज कॉल्ड, मतलब क्वेश्चन का मतलब हुआ, जो ओर जो में कौन सा इम्प्यूरिटी है जो प्रेजेंट, उसको क्या कहते हैं, तो इम्प्यूरिटी मतलब गंदगी, बाहरी सब्सटेंस, गंदगी जो ओर में जो प्रेजेंट है वो कहलाता है, याद करो, गंगूराम गैंग, जो इम्प्यूरिटी, किसमें इम्प्यूरिटी, गंदगी ओर में जो इम्प्यूरिटी प्रेजेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग कहते हैं गैंग, बोलो गैंग, जो उसको गैंग कहते हैं, पक्के याद कर लीजिएगा। चलिए आइए जी, अब इसको जो है, इसको पहले लिख लेंगे बच्चों, उसको लिख लीजिए, तो एक मिनट समय दीजिए लिखने के लिए, 5 सेकंड रुक जाइए, लिख लिया बच्चों, इधर लिखे, उधर की तरफ चलेंगे फिर हम। चलिए आइए, अब क्या है बच्चों, डिफ्रेंशिएट, क्या बोला मैं, डिफ्रेंशिएट, डिफरेंस करो किसको डिफरेंस करो, कैल्सिनेशन, क्या बोला मैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, डिफरेंस करना है बच्चों, अंतर बताना है, किस में अंतर बताना है, कैल्सिनेशन में बताना है और रोस्टिंग में बताना है। तो कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5-6 बार पूछा जा चुका हूँ, मैं 2 मिनट मेरे साथ आप रहिए, आपको याद हो जाएगा, प्लीज
दो मिनट जरा समझ लूंगा, दो मिनट याद हो जाएगा। कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है, दोनों में अंतर पूछा जाता है लगभग पांचों दस बार यहाँ पूछा गया है, हर बार लोगों को पूछा जाता है कैल्सिनेशन रोस्टिंग में अंतर क्या है। तो कैल्सिनेशन भी हीट करने की प्रक्रिया है, रोस्टिंग भी हीट करने की प्रक्रिया है। कैल्सिनेशन में क्या है, इसमें भी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, इसमें भी हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, दोनों में कुछ अंतर है, अंतर है, बिल्कुल अंतर है। इसमें जो है कैल्सिनेशन में लिखा हुआ है इन द अब्सेंस अनुपस्थिति कहे या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, हवा की अनुपस्थिति या लिमिटेड मतलब कम मात्रा में, लिमिट मात्रा में हवा के सप्लाई की उपस्थिति में जब हाई टेम्परेचर पर हीट करते हैं ओर को, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं कैल्सिनेशन। तो कैल्सिनेशन में गर्म करना है, रोस्टिंग में गर्म करना है, हाई टेम्परेचर पे हाई दोनों में गर्म करना है। इसमें है इन द अब्सेंस या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, और इसमें है बच्चों रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर, बोलो बोलो रेगुलर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ एयर को देने पड़ता है, तब जा गर्म करते रहिए तो उसको कहता है रोस्टिंग। क्या बोलो रोस्टिंग। तो रोस्टिंग जो हुआ प्रोसेस ऑफ हीटिंग द ओर एट हाई टेम्परेचर इन द रेगुलर सप्लाई ऑफ एयर इज कॉल्ड रोस्टिंग। तो कैल्सिनेशन हो गया क्या, गर्म करना, ये भी गर्म करना हवा की अनुपस्थिति में या लिमिटेड सप्लाई कम मात्रा में, ये क्या है ना हवा की रेगुलर सप्लाई की रोस्टिंग में गर्म करना, ये भी गर्म करना है, हमें हवा की अनुपस्थिति है, हवा की उपस्थिति हो गया बस। अब देखो एक अंतर हो गया, दूसरा अंतर बता रहा हूँ कॉस ए कैल्सिनेशन, बोलो कॉस ए कैल्सिनेशन, और ये यूज होता है कार्बोनेट, बोलो कार्बोनेट के लिए, या कहे तो हाइड्रेटेड ऑक्साइड के लिए या हाइड्रोक्साइड के लिए यूज होता है। एक भी लिख लोगे कॉस से कैल्सिनेशन ना कॉस से कार्बोनेट और बस तुम्हारा आंसर नंबर मिल जाएगा, इसके लिए यूज होता है। अब इधर देखो देखो अब रोस्टिंग है, रोस्टिंग में क्या है सौ सौ सौ, तो सौ फॉर रोस्टिंग और सौ फॉर सल्फाइड ओर, बोलो सल्फाइड ओर। तो रोस्टिंग किसके लिए बच्चों सल्फाइड ओर के, बोलो सल्फाइड के लिए सौ सौ सल्फाइड और को कौ कार्बोनेट। तो हो गया कैल्सिनेशन रोस्टिंग में अंतर हो गया, याद हो गया ये भी गर्म करना, अभी गर्म करना, ये हवा की अनुपस्थिति या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, ये हवा की प्रचुर मात्रा में गर्म करना, ये कैल्सिनेशन कार्बोनेट के लिए यूज होता है और ये रोस्टिंग सल्फाइड के लिए यूज होता है। ओके हो गया। चलो फिर दूसरा अंतर हमको पढ़ना, ये बोलते हैं फ्लक्स और स्लैग, फ्लक्स और स्लैग में क्या अंतर है। तो ये फ्लक्स लिखा और ये स्लैग लिखा, देखो फ्लक्स क्या है, जैसे गंदगी जो होता है ना, गंदगी जो गंगूराम का जो पहले जो इम्प्यूरिटी जो ओर में प्रेजेंट, तो गंदगी को बोलते हैं गैंग, और वो गैंग को हटाने के लिए, वो गंदगी जो उसको हटाने के लिए फॉरेन से मतलब बाहर से कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस डाला जाता है, उसी बाहरी सब्सटेंस जो डालते हैं ना उसी को कहते हैं, बोलो बोलो फ्लक्स, बोलो क्या बोलते हैं फ्लक्स, बोलो क्या बोलते हैं फ्लक्स, बोलो क्या बोलते हैं फ्लक्स। वो गंदगी को हटाने के लिए फॉरेन सब्स मटेरियल को जो यूज होता है टू रिमूव द गैंग प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड फ्लक्स, फ्लक्स फ्लक्स। गंदगी को हटाने के लिए जो बाहरी सब्सटेंस जो हम ऐड करते हैं, गंदगी को हटाने के लिए वो जो बाहरी सब्सटेंस यूज करते हैं गैंग पार्टिकल को हटाने, गैंग गैंग है उसी को बोलते हैं फ्लक्स। और स्लैग क्या है, तो देखो तो जो गंदगी गैंग इम्प्यूरिटी और जो बाहरी सब्सटेंस आपने डाला है दोनों मिला के क्या बनाता है स्लैग। तो स्लैग जो है ना वो क्या बच्चों फ्यूजिबल मटेरियल, क्या बोलो फ्यूजिबल, गलने वाला, गल जाए जो गलने योग्य जो मटेरियल है विच आर फॉर्म बाय द रिएक्शन गैंग और फ्लक्स। तुमको अगर स्लैग के बारे में लिखना तो बोलना गैंग गंगूरा गंदगी, गंदगी और जो फ्लक्स दोनों के मिलाने से जो फ्यूजिबल सब्सटेंस बनता है दैट इज कॉल्ड एज स्लैग, दैट इज कॉल्ड एज स्लैग। तो फटाफट से बच्चों इसको उतारने के 5 सेकंड का समय दीजिए, बच्चे उतार लेंगे, ये उतार लेंगे सारे बच्चे। चलिए ओके फिर आप लोग गिव द नेम एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ अल्मोनियम आयरन कॉपर कैल्शियम और मरकरी। कैल्शियम Ca है बच्चों, मरकरी Hg है। तो क्या कहा गया है
नाम बताइए और केमिकल कंपोजिशन बताइए, इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ओर किसका ओर, अल्मोनियम का ओर बताइए कौन सा है, आयरन का ओर, कॉपर का, कैल्शियम का, मरकरी का, बहुत ये VBI क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा अगले चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका पूछने का चांस 99% होता है। अब देखो ये किसका निकालना है बच्चों, ऐसे निकालना है अल्मोनियम, किसका निकालना है अल्मोनियम का, तो अल्मोनियम का कौन कौन सा ओर है से देखो, अल्मोनियम तो अल्मोनियम का दो ओर, एक ओर का नाम बॉक्साइट है, दूसरा कौन है क्रायोलाइट है, और बॉक्साइट का फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला भी पूछा, कंपोजिशन पूछा है Al2O3.2H2O। अल्मोनियम का दूसरा जो ओर है वो क्रायोलाइट है जिसका फॉर्मूला है Na3Al6 अल्मोनियम और 6 को फ्लोरीन, याद ही करना पड़ेगा आपको। आयरन, आयरन का भी दो गो, एक हेमाटाइट है जिसका फॉर्मूला है Fe2O3 और दूसरा है बच्चों मैग्नेटाइट जिसका फॉर्मूला है Fe3O4। तीसरा जो होता है ना कॉपर, कॉपर का भी दो है बच्चों, कॉपर पाइराइट जिसका फॉर्मूला है CuFeS2 और दूसरा क्यूपराइट जिसका फॉर्मूला है Cu2O। तीसरा है कैल्शियम, कैल्शियम का भी दो याद कर लीजिए, कैल्साइट जिसका फॉर्मूला है CaCO3 और डोलोमाइट जिसका फॉर्मूला CaCO3.NgCO3। मरकरी का एक ही लिखा है बच्चों सीनाबार, जो फेमस है सीनाबार, वो क्या HGS, क्या HGS, तो इसमें क्या है ना अल्मोनियम का बॉक्साइट और क्रायोलाइट हो गया दो और, जिसका फॉर्मूला उधर लिखा हुआ है, आयरन बॉक्साइट का फॉर्मूला ये हो गया, इसका ये हो गया, हेमाटाइट का ये, उसका मैग्नेटाइट का वो हो गया, कॉपर पराइट ये हो गया बच्चों, क्यूपराइट ये हो गया, कैल्साइट हो गया, डोलोमाइट हो गया और सीनाबार हो गया। तो ये बच्चों आप याद कर लेंगे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा हूँ, फालतू नहीं लिखा हूँ। चलो फिर इधर आ जाइए, एक्सप्लेन विथ सूटेबल एग्जाम्पल, इसको एक्सप्लेन करना है, समझाना है, एक्सप्लेन करना, लिखना है सूटेबल। मिनरल और ओर, मिनरल और ओर बच्चों, तो मिनरल और ओर बड़ा ही आसान है, बड़ा सिंपल है। मिनरल्स क्या है, नेचुरली, क्या बोला, नेचुरली अकरिंग केमिकल सबस्टांस, क्या बोला, केमिकल सबस्टांस इन द अर्थ क्रस्ट ऑब्टेंड ऑब्टेंड बाय माइनिंग। मिनरल जो माइनिंग के द्वारा प्राप्त हो और नेचुरली अकरिंग सबस्टांस जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाता हो, तो नेचुरली अकरिंग, क्या देखा, मिनरल क्या बोलो, नेचुरली अकरिंग, क्या बोलो, नेचुरली अकरिंग सबस्टांस, केमिकल सबस्टांस विच आर फाउंड इन अर्थ क्रस्ट एंड आर ऑब्टेन बाय माइनिंग, खुदाई के द्वारा, माइनिंग के द्वारा निकाला जाए वो कहलाता है मिनरल। और क्या है बोलो, और क्या है, तो और ही बड़ा आसान है, वैसे मिनरल, जो मिनरल सारे धरती के अर्थ क्रस्ट में जो पाए जाते हैं वो सारे मिनरल है, जो केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं और जिसको माइनिंग के द्वारा प्राप्त करते हैं वो सब मिनरल है, लेकिन सारे मिनरल और नहीं कहलाते हैं, वैसे मिनरल और कहलाते हैं, क्या बोला, वैसे मिनरल और कहलाते हैं जिस पार्टिकुलर मिनरल से और की जो प्राप्ति है इकोनॉमिकली, मतलब सुविधापूर्वक इकोनॉमिकली प्राप्त किया जाए, वैसे द मिनरल फ्रॉम विच, वैसे मिनरल जिससे, फ्रॉम विच मतलब जिससे, फ्रॉम विच जिससे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाए, कैसे, कन्वीनियंटली या इकोनॉमिकली, उसी को हम लोग कहते हैं ओर। बोलो ओर, क्या बोलो ओर, द मिनरल हुआ सब और हो गया पार्टिकुलर मिनरल जिसे इकोनॉमिकली मतलब, तब अब 10 रुपया का खर्च पड़े अब 50 रुपया कमाए तो वैसे मिनरल को और कहेंगे, जो जमीन से प्राप्त करोगे तो, अब तो वही इकोनॉमिकली मतलब कि 2 रुपया खर्च हो और आमदनी ज़्यादा हो तो उसी कर सुविधापूर्वक भी प्राप्त किया जाए उसी मेटल की प्राप्ति, तो वैसे मिनरल को और कहते हैं। तो और एक कहावत होता है, ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर, सारे मिनरल ओर नहीं कहलाते, मिनरल सभी लेकिन कुछ ही मिनरल ओर कहलाते हैं। तो क्या है, द मिनरल, वैसे मिनरल जिसकी जिससे मेटल का एक्सट्रैक्शन हो, प्राप्ति हो, कन्वीनियंटली मतलब सुविधापूर्वक, कन्वीनियंटली और इकोनॉमिकली मतलब पैसा के किसी से सस्ता पड़े और आमदनी ज़्यादा इकोनॉमिकली, इज कॉल्ड ओर बच्चों। ओके चलो, एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ये कईयों बार पूछा गया मुझे, कईयों बार, ये अब ध्यान रखिएगा, फ्रॉथ फ्लोटेशन जो मैं बता रहा हूँ ये तो मैं VBI बता रहा हूँ, VBI, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या है, तो याद रखिएगा, ये यूज्ड, इट इज यूज्ड, क्या इट इज यूज्ड
फोर रिमूविंग हटाना गंगू गंदगी को फ्रॉम गैंग को किसे सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर से गंदगी को गैंग को हटाने के लिए जो यूज करते हैं वह है फ्रॉट फ्लोटेशन प्रोसेस। बोलो फ्रॉट फ्लोटेशन प्रोसेस गंदगी हटाने के लिए यूज करते हैं। इन दिस प्रोसेस प्रक्रिया में क्या होता है ए सस्पेंशन, क्या सस्पेंशन ऑफ द पाउडर डोर, क्या बोला पाउडर डोर को वाटर के साथ मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है टू इट। उसमें क्या होता है उसमें कलेक्टर, कलेक्टर के रूप में लिखा है बच्चों पाइन ऑयल, पाइन और फैटी एसिड को मिलाते हैं, टू इट मिला देते हैं एंड फ्रोट को स्टेबलाइजर उसमें क्रिसॉल और एनिलीन, बोलो क्या है क्रिसॉल और एनिलीन को एज ए फ्रोट स्टेबलाइजर मिलाते हैं और कलेक्टर के रूप में क्या कलेक्ट्रोइट, कलेक्टर के रूप में क्या मिलाते हैं पाइन वाइन और फैटी एसिड और फ्रोट स्टेबलाइजर के रूप में क्या मिलाते हैं क्रिसॉल एनिलीन आर एडेड। उसमें ऐड किया जाता है द मिनरल पार्टिकल बिकम वेट बाय ऑयल, जो ऐसे भी याद करते हैं जो मिनरल का है या और ओ फोर ओर ओ फोर ऑयल, तो ओर जो है ना मिनरल जो है ना वो वेट मतलब भीग जाते हैं मिल जाते हैं किसी के साथ ऑयल के साथ और जो गंदगी गैंग गैंग जो गंदगी गैंग जो पार्टिकल होते हैं वो वेटेड बाई वाटर। तो और ऑयल के में भी और मतलब मिनरल, मिनरल किसमें हो गए वेट बाई ऑयल और गैंग जो हो गए पार्टिकल वो बाई वाटर, गैंग पार्टिकल वाटर में मिल जाती है इस प्रोसेस में। और एक इसके लिए जो था बच्चों ऊपर ऊपर ही लिखा है ये सल्फाइड ओर में जो गंदगी है उसको हटाने के लिए हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज करते हैं बच्चों। तो फटाफट बच्चों इसको उतार लो, अब कुछ मैं ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, बस कुछ ऑब्जेक्टिव बताऊंगा सिलेक्टेड, वो आप याद कर लीजिएगा चैप्टर खत्म हो जाएगा, इतना चैप्टर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। बच्चों अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कर लेते हैं फटाफट। पहला है चीफ ओर ऑफ आयरन इज, चीफ ओर ऑफ आयरन इज वो कौन सा है हेमाटाइट, थोड़ा देर पहले लोग देखे थे, जब थोड़ा देर पहले लोग देखे थे ए प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था चीफ ओर ऑफ आयरन हेमाटाइट, ए प्रोसेस ऑफ हीटिंग ओर ऑफ ए मेटल इन एक्सेस ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड, तो मैं आपको समझाया भी था वो कहलाता है रोस्टिंग, थोड़ी देर पहले बात की रोस्टिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉपर मेटल इज प्यूरिफाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल, कॉपर मेटल कैसे शुद्ध किया जाता है, कैसे शुद्ध किया जाता है तो याद कर लो इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, याद करोगे इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज, तो अल्मोनियम, क्या हो जाएगा बोलो अल्मोनियम है, क्या है अल्मोनियम है बच्चों सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला मेटल, मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ कौन है अल्मोनियम है। ओके इधर आइए बच्चों द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द ओर इज कॉल्ड क्या गैंग, बताओ कहते गैंग चलो गंदगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ एलिमेंट फाउंड इन सी वाटर इज मैग्नीशियम सोडियम आयोडीन, नन ऑफ दीज, तो सोडियम होगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन ओर ऑफ अल्मोनियम इज, अल्मोनियम का ओर कौन है बच्चों तो बॉक्साइट, क्या था बॉक्साइट बताया भी था आपको थोड़ा देर पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन, द इम्पोर्टेंट ओर ऑफ आयरन तो हेमाटाइट बताया भी था हेमाटाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बेसिमेराइजेशन क्या है, बेसिमेराइजेशन इज यूज इन ऑफ द मेटलर्जी, किसमें यूज होता है बेसिमेराइजेशन बच्चों तो आयरन Fe, क्या वो आयरन यूज होता है, आयरन में बेसिमेराइजेशन यूज होता है। तो इस प्रकार से बच्चों में ऑब्जेक्टिव जो है मेटलर्जी का ऑब्जेक्टिव डाला है इसको पक्का आप लोग पढ़ लेंगे, और जिसे पहले मैंने लॉन्ग भी दिया है और शॉर्ट भी दिया है, लॉन्ग शॉर्ट दोनों दिया है मेटलर्जी का, इसको फटाफट उतार लो। और फिर मैं थोड़ी ही देर में एक नेक्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ वो कुछ अभी डालूंगा उसको भी देखिएगा, अभी फिलहाल इसको फटाफट जो चैप्टर है ज़्यादा लंबा लंबा मैं थोड़ा थोड़ा बना रहा हूँ कि आप 20 मिनट बैठे 25 मिनट बैठे 20 मिनट बैठे और आप लोग उसको 15-20 मिनट में वो चैप्टर को मेरे साथ याद भी कर ले, क्वेश्चन भी याद कर ले, उसको लिख भी ले। ठीक है बच्चों तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।